नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मकरोनिया चौराहे पर बने राजवर्धन होटल पर देर रात पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने होटल से 45,000 रुपए का सट्टा और अवैध शराब जब्त की। सीएसपी रवि चौहान के मुताबिक राजवर्धन होटल में काफी समय से सट्टा खिलाने और अवैध रूप से शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी। होटल को कुछ लोग किराए पर लेकर चलाते हैं और होटल मालिक प्रभावशाली नेता का भतीजा बताया जा रहा है। पुलिस ने गोविंद वाल्मीकि, गौतम अहिरवार, कांशीराम और गज्जू यादव को गिरफ्तार करते हुए 45,000 रुपये और 100 से ज़्यादा सट्टा पर्ची बरामद की है। पुलिस की कार्रवाई से इलाके के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया और कई होटल संचालक होटल बंद कर भाग निकले। संचालक तो ये गज्जू यादव ही किराए पर नहीं हुए, ये गोविंद है, गोविंद वाल्मीकि करके। सर किसने सट्टा ही पकड़ा गया? करीब 45,000 के आसपास का सट्टा है। कार्रवाई हुई है, लोगों पर कार्रवाई हुई है, उसमें 20-25 लोगों सख्त कार्रवाई की जाए पकड़ लिया। नहीं है सर, ये तो गोविंद यादव है, ये गोविंद जो वाल्मीकि है इसके द्वारा पकड़ ली गई है। भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।